नगर पंचायत धनवार स्थित भीटू मॉल के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गया जब कलकत्ता से आ रही परिवर्तन बस में सवार एक युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत की जानकारी सवारियों ने बस के कंडक्टर को दी। इसकी मौत कैसे हुई इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। मृतक युवक की पहचान धनवार प्रखंड क्षेत्र के नैकाडी गांव निवासी दिलीप यादव के रूप में किया गया है। बस कंडक्टर मुन्ना यादव ने बताया कि यह युवक कलकत्ता से धनवार प्रखंड के बलहरा के लिए बस पर सवार हुआ था। धनवार में जब भीटू मॉल के पास बस रुकी तो सवारियों ने बताया कि एक युवक सीट पर अचेत पड़ा हुआ है। जब नजदीक से देखा तो उसकी सांस नहीं चल रही थी। तत्काल इसकी सूचना धनवार पुलिस को दे दी गई, साथ ही उनके परिजनों को भी इसकी जानकारी दे दी गई। बताते चलें कि युवक घर में एकलौता कमाऊ सदस्य था, उसकी दो छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। धनवार पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर युवक के शव को कब्जे में ले लिया। आपको वहाँ तो मारा हुआ तो यही कहा, खबर सारा चला गया कि हाँ सुनाया हमारा भतीजा है, सुनाया हमारा उठा। उसका तबीयत पहले से ख़राब था क्या? नहीं नहीं तो दिक्कत नहीं। बुधवार को गया और फिर वो आज वापस आ रहा है।